स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर फिजिक्स का 21 टू 22 इस साल के लिए जो भी सिलेबस है उसकी यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर पहले तो थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया है, फिर यहाँ पर वेटेज चैप्टर के हिसाब से कैसे काउंट किया है। तो फर्स्ट यूनिट में फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, राइट, तो उसमें दो चैप्टर रखे हैं, उसके नंबर ऑफ पीरियड्स है 10 एंड मार्किंग के हिसाब से यूनिट 3 यूनिट तक मार्क डिवाइड हुए हैं। फिर यूनिट 2 है काइनेमेटिक्स, राइट, तो चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड चैप्टर 4 दूसरे यूनिट में आएंगे। फिर यूनिट 3 मोशन और लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 5, राइट, तो नंबर ऑफ पीरियड्स होंगे उसके 14। अब यहां पर तीन यूनिट के मार्किंग है 23। फिर यूनिट 4 वर्क एनर्जी एंड पावर, उसके अंदर जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, तो उसके नंबर ऑफ पीरियड है 12। फिर यूनिट आता है 5 मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, उसके अंदर चैप्टर 7 है, राइट, उसके नंबर ऑफ पीरियड्स है 18। फिर यूनिट यहां पर 6 की बात है ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 8, 12 पीरियड्स, और जो मार्क्स है टोटल यूनिट 4 टू यूनिट 6 उसके मार्किंग है 17। फिर आता है यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, तो उसके अंदर तीन चैप्टर्स है 9, 10 एंड 11, राइट। फिर यूनिट 8 थर्मोडायनेमिक्स, उसके अंदर है चैप्टर 12। अब यहां पर उसके बाद यूनिट नंबर 9 बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस, तो इन तीनों यूनिट के मतलब के यूनिट 8 टू 9, राइट, सॉरी यहां पर यूनिट 7 टू 9 है, तो यहां पर मार्क्स है 20। फिर आता है यूनिट नंबर 10 ऑसिलेशंस एंड वेव्स, उसके अंदर चैप्टर्स है 14 एंड 15, तो उसका वेटेज है 10 मार्क्स। तो यहां पर टोटल बन गया हमारा 70 मार्क्स का पेपर होगा, राइट। फिर उसके अंदर जो भी यूनिट्स है उसके अंदर क्या कौन से टॉपिक आने वाले हैं यहाँ पर वो भी लिखे हैं। फिजिकल वर्ल्ड में से आएगा फिजिक्स स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट्स में नीड फॉर मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट्स, लेंथ मास एंड टाइम मेजरमेंट्स, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एरर्स इन मेजरमेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। फिर आता है यूनिट 2 काइनेमेटिक्स, उसके अंदर चैप्टर 3 है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी टाइम एंड पोजीशन टाइम ग्राफ्स, रिलेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ग्राफिकल ट्रीटमेंट। फिर आता है चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, जनरल वेक्टर्स एंड देयर नोटेशंस, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय अ रियल नंबर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, रिलेटिव वेलोसिटी, यूनिट वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, मोशन इन अ प्लेन, केसेस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देन यूनिट 3, उसका है नाम लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 5, इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इंपल्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशंस, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, लुब्रिकेशन, डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रिपिटल फोर्स, एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, व्हीकल ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड। फिर आता है यूनिट नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर, तो इसके अंदर है चैप्टर नंबर 6 वर्क डन बाय अ कॉन्स्टेंट फोर्स एंड अ वेरिएबल फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थियरम, पावर, नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी,
kinetic and potential energies, non-conservative forces, motion in a vertical circle, elastic and inelastic collisions in one and two dimensions. फिर आता है यूनिट नंबर 5, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी. चैप्टर नंबर 7, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन. तो उसके अंदर जो कंटेंट है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, मोमेंट ऑफ अ फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशंस, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, रिजिड बॉडी रोटेशन एंड इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, वैल्यूज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिंपल जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, नो डेरिवेशन, स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थियोरम्स एंड देयर एप्लीकेशंस. फिर आता है यूनिट नंबर 6, ग्रेविटेशन. चैप्टर नंबर 8 है, तो उसके अंदर जो कंटेंट है वो है केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन विथ एल्टीट्यूड एंड डेप्थ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स. फिर आता है यूनिट नंबर 6-7, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर. तो उसके अंदर है चैप्टर 9, इलास्टिक बिहेवियर उसका कंटेंट है, देन स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, हुक्स लॉ, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन्स रेशियो एंड इलास्टिक एनर्जी. फिर आता है चैप्टर 10, उसके अंदर का कंटेंट है प्रेशर ड्यू टू अ फ्लूइड कॉलम, पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, विस्कोसिटी, स्टॉक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्सेस ऑफ प्रेशर अक्रॉस अ कर्व सरफेस, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन आइडियाज टू ड्रॉप्स, बबल्स एंड कैपिलरी राइज. चैप्टर 11 में कंटेंट है हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपांजन, थर्मल एक्सपांजन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज, एनोमलस एक्सपांजन ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CpCv, कैलोरीमेट्री, चेंज ऑफ स्टेट, लेटेंट हीट कैपेसिटी, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, थर्मल कंडक्टिविटी, क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन्स लॉ, ग्रीन हाउस इफेक्ट. फिर आता है यूनिट नंबर 8, थर्मोडायनेमिक्स, उसके अंदर है चैप्टर नंबर 12, उसके अंदर का कंटेंट है थर्मल इक्विलिब्रियम एंड डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेसेस, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर. देन यूनिट 9, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस. तो उसके अंदर है चैप्टर नंबर 13, तो कंटेंट है इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ परफेक्ट गैस, वर्क डन इन कंप्रेसिंग अ गैस, काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस, एजम्पशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, RMS स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, स्टेटमेंट ओनली, एंड एप्लीकेशन टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ, एवोगाड्रोस नंबर. देन आता है यूनिट 10, ऑसिलेशंस एंड वेव्स. तो चैप्टर नंबर 14, पीरियडिक मोशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पीरियडिक फंक्शंस, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स इक्वेशंस, फेज, ऑसिलेशंस ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग, रिस्टोरिंग फोर्स एंड फोर्स कांस्टेंट, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, सिंपल पेंडुलम डेरिवेशंस ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड, फ्री, फोर्स्ड एंड डैम ऑसिलेशंस, क्वालिटेटिव आइडियाज ओनली, रेजोनेंस. फिर चैप्टर नंबर 15 का कंटेंट है वेव मोशन, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव,
principle of superposition of waves, reflection of waves, standing waves in string and organ pipes, fundamental mode and harmonics, beats, Doppler effect. फिर बात करते हैं प्रैक्टिकल्स के. तो प्रैक्टिकल्स में हमें 12 एक्सपेरिमेंट इस बार करना है, राइट? तो 6-6 पार्ट में डिवाइड किया है 12 एक्सपेरिमेंट को, और सारे एक्सपेरिमेंट मतलब टोटल एक्सपेरिमेंट तो 12 है, बट जो एक्टिविटीज करनी है वो 6 एक्टिविटीज करनी है. उसमें भी तीन तीन एक्टिविटीज को डिवाइड किया है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में, राइट? तो यहां पर टोटल एक्सपेरिमेंट्स वन फ्रॉम ईच सेक्शन 7+7, राइट? प्रैक्टिकल रिकॉर्ड तो उसका 5 मार्क्स होगा. वन एक्टिविटी फ्रॉम एनी सेक्शन उसका 3 मार्क होगा. इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट दैट उसका भी 3 मार्क होगा. वाइवा ऑन एक्सपेरिमेंट्स एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट उसके 5 मार्क हो गए. तो कुल मिला के यहां पर हो गए 30 मार्क्स, राइट? फिर यहां पर सेक्शन ए उसके एक्सपेरिमेंट में यहां पर डिटेल है, 10 एक्सपेरिमेंट है. एक्टिविटीज में 7 एक्टिविटीज है, राइट? फिर सेक्शन बी उसके अंदर 10 एक्सपेरिमेंट्स है, अगेन एक्टिविटीज है टोटल 7, राइट? तो यहां पर और भी जानकारी है कि जो बच्चे विजुअली इंपेयर्ड है उनके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे कंडक्ट की जाएगी, ए एंड बी, राइट? फिर कुछ यहां पर नोट्स है और कुछ प्रिस्क्राइब बुक्स है, जैसे कि फिजिक्स पार्ट 1, फिजिक्स पार्ट 2 जो हमारी एनसीईआरटी है वो, लैब मैनुअल, राइट? एंड द लिस्ट ऑफ अदर रिलेटेड बुक्स एंड द मैनुअल्स ब्रॉट आउट बाय एनसीईआरटी.